तो गाइस यार काफी दिनों से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यार इतने दिन हो गए वीडियोस क्यों नहीं आ रही। तो गाइस यार मैं आपको बता दूं कि वो क्या है ना, आपका भाई जो है वो वादों का पक्का है। अगर वो कोई वादा करता है तो उसे डेफिनेटली निभाता जरूर है। तो गाइस यार आप लोगों को पता होगा कि काफी दिनों पहले हमने मिस्टर इंडियन एकर कार कलेक्शन वीडियो अपलोड की थी और उसके अंदर मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर उस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स आते हैं तो हम हमारी प्यारी मर्सिडीज कार को ही फुली रिमोट कंट्रोल बना देंगे। जी हाँ गाइस, और आप लोगों ने भी धमाल कमाल बचा दिया और कुछ ही दिनों के अंदर, जी हाँ गाइस कुछ ही दिनों के अंदर उस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स हो गए। तो आपने अपना वादा पूरा किया तो अब हमारी बारी थी। तो इतने दिनों से हम उसी चीज के अंदर लगे हुए थे और अब फाइनली आपके सामने पेश है हमारी रानी। गाइज यार ये तैयार है हमारी रानी। तो गाइज यार यहाँ पे तो इसे हम नहीं चला सकते हैं, इसे चलाने के लिए हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जो कि खुली हो, और खुली जगह के अंदर जाके ही मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसे कैसे बनाया है, क्या क्या फंक्शंस है और भी बाकी सारी कई चीजें। चलो बाहर चलते हैं फिर। गाइस यार ये जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी हमारी गाड़ी को रिमोट से चलाने के लिए और साथ ही साथ आपको दिखाने के लिए। तो गाइस यार इस गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए हमें 15 दिनों की मेहनत लगी। 15 दिन इसलिए कि पिछली गाड़ी को जब बनाया था तो उसे बनाने में 3 महीने लगे थे, तो थोड़ी सी मेहनत काम आई और इस गाड़ी को हमने मात्र 15 दिनों के अंदर ही पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल्ड बना दिया। लेकिन गाइस इसे बनाना इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं था। इसे बनाते समय हमने कई बार इस गाड़ी की वायरिंग्स को जला दिया। कई बार ऐसा हुआ जब हमारी गाड़ी की वायरिंग्स पूरी तरीके से जल गई, खराब हो गई। अब आपको पता है कि ये जो गाड़ी है कितनी महंगी है, तो इसके अंदर अगर कोई खर्चा होगा तो वो भी कितना ज्यादा महंगा होगा। तो पहले हम इस गाड़ी को चला के दिखाएंगे आपको कि ये किस तरीके से चलती है, उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि इसे हमने किस तरीके से बनाया है। इसे हम जो है इस तरीके से भी चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर अभी कोई भी नहीं है। बैंग बैंग, और साथ ही साथ इस गाड़ी को हम अंदर इस तरीके से बैठ के भी चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर अभी कोई भी नहीं बैठा। डन डन डन, मजा आ रहा है। इस गाड़ी को हम छत पे बैठ के भी चला सकते हैं। बैंग बैंग, और साथ ही साथ गाइस अब तो इस गाड़ी को हम पीछे पैसेंजर वाली सीट पे बैठ के भी चला सकते हैं, वो भी आसानी से। ना आएगा ना मजा। मजा ही अलग है भाई, मजा ही अलग है, क्या बात है। गाइस जो असली मजा है ना, वो तो इस गाड़ी को गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि गाड़ी के बाहर लेके चलाने में आता है। तो चलो अभी जो गाड़ी है वो बंद है तो बाहर से ही इसे चलाते हैं और फिर देखना कितना मजा आता है।
उसके बाद में ही गाइस कुछ ऐसा हुआ जिसके अंदर हमने हमारी प्यारी गाड़ी को लगभग खो ही दिया था, लगभग खो ही दिया था। गाइस सच बात बताऊं, इस गाड़ी के पीछे हमने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। गाइस इसके जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, वो दूसरी गाड़ियों से बिल्कुल अलग है भाई। आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं मिलता कि अगर कुछ खराबी हो गई ना तो उसको ठीक कैसे करें। भाई इंटरनेट पे झक मार मार के चीज़ों को सही कर करके हमने इस गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बनाया। और उसके बाद में लास्ट में जाते जाते कुछ ऐसा हुआ कि मुझे इस वीडियो को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ रहा है। तो गाइस यार ये पार्ट वन है, और अगर आपको एग्जैक्टली के अंदर देखना है कि हुआ क्या या फिर ऐसा क्या हो गया, आप चाहते हैं सच में देखना, तो मुझे इस वीडियो पे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, चाहिए बिल्कुल चाहिए। मैं खुद मांग रहा हूं यार, अपनी मेहनत का मांग रहा हूं। सच में बहुत मेहनत लगी, देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है यार कि यूं ही है, लेकिन यूं ही नहीं है, बहुत मेहनत लगी। और लास्ट के अंदर हमारा पूरा सारा सिस्टम ही खत्म हो गया। तो अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है, फिर ये गाड़ी रिमोट से चलाने के बाद किस तरीके से रफ एंड टफ चलती है, तो वो आपको पार्ट टू के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो पे 2 मिलियन लाइक्स का जो टारगेट है उसे पूरा कर दीजिए, और जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं पार्ट टू भी अपलोड कर दूंगा। बाकी आपकी ख्वाहिश तो मैंने पूरी कर दी। गाड़ी को रिमोट से चलाना था, रिमोट से चली बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप देख सकते हैं इसी वीडियो में, आपने देख लिया कि गाड़ी रिमोट से चल रही है बिना किसी ड्राइवर के। चाहते हो पार्ट टू, 2 मिलियन लाइक्स, इतना मुझे आप लोगों पर विश्वास है। आप मेहनत को सराहते हो, आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है। मैं अच्छे से जानता हूं, मेरी टाइटेनियम आर्मी अच्छे से जानती है। टारगेट पूरा कर देना, पार्ट टू आ जाएगा।